दोस्तों नमस्कार, मैं कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र की अंतिम तिथि में वृद्धि के संबंध में व स्कोर कार्ड कब तक निकलेंगे, इस संबंध में हम आज बात करेंगे। तो मित्रों, जो समस्याएं आ रही थी अनुभव प्रमाण पत्र बनाने में, उसके लिए सरकार ने डेट आगे बढ़ा दी, अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, आज एजुकेशन पोर्टल पर पहली जो लिंक डाली गई है वह स्कोर कार्ड से संबंधित है, और दूसरे नंबर में जो अनुभव प्रमाण पत्र मैनुअली थे वह समस्याएँ आ रही थी, उसके लिए अंतिम तिथि में। दोस्तों, अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र हेतु इस क्लेम फॉर्म जनरेट कर संकुल कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि में वृद्धि 15 जून तक कर दी गई है, क्योंकि अतिथि शिक्षकों से जो विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट सभी स्कूलों से मंगाए जा रहे थे, उपस्थिति पंजी और SMDC का सत्यापन, और उस समय विज्ञापन जारी किए गए थे, उस विषय में आपसे जानकारी मांगी जा रही थी, लेकिन अतिथि शिक्षक उन जानकारियों को पूरी नहीं कर पा रहे थे, उसमें समय लग रहा था। इस बात के लिए सभी जिलों से अतिथि शिक्षक संघों ने मांग रखी थी कि हमारी तारीख में वृद्धि की जाए, जिससे हमें ये सब डॉक्यूमेंट देने में समय लग रहा है, इसके कारण 15 जून की जाए। तो सरकार द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया है। तो मित्रों, आप देख सकते हैं यह आदेश तिथि में वृद्धि के लिए जारी किया गया है। दूसरा आदेश की हम जो बात करते हैं, यह आदेश अतिथि शिक्षकों के पंजीयन एवं EKYC के उपरांत आवेदन का सत्यापन करने के लिए सरकार ने कल ही एक आदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने 25 मई को जो सत्यापन तक लास्ट डेट रखी थी उसमें वृद्धि कर दी गई है, और इसकी एक गतिविधि के लिए एक कार्यक्रम जारी किया गया है। इस कार्यक्रम में सभी बातें बताई गई कि संकुल प्रचार द्वारा आवेदन का सत्यापन 4 जून तक किया जाएगा। आवेदक द्वारा दर्ज जानकारी का आधार पर स्कोर कार्ड का जनरेट करने का कार्यक्रम 7 जून तक किया जाएगा, लेकिन इस पर सिर्फ रजिस्टर्ड या पंजीकृत मोबाइल नंबर से ही स्कोर कार्ड का जनरेट किया जाएगा, सत्यापित किया जाएगा, अन्यथा जो रजिस्टर्ड नहीं है, EKYC नहीं हुई, उन पर नहीं किया जाएगा। इसके बाद में स्कोर कार्ड का अवलोकन करने के उपरांत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शिक्षा पोर्टल पर दर्ज करने का कार्य 14 जून तक किया जाएगा, और वर्गवार विषयवार पैनल जनरेट होगा 15 जून तक। इस प्रकार के आदेश जारी कर दिए हैं, अर्थात अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित जो नियमावली जारी होनी थी उसके लिए भी स्कोर कार्ड जनरेट करने की प्रक्रिया का आदेश जारी किया गया है, कि नए सत्र में अतिथि शिक्षक की भर्ती जो होगी वह इसी स्कोर कार्ड के आधार पर होगी। नई नई जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।